बाकी सेंट्रल वेयर हाउसिंग वाले बच्चे भी हैं ना, पुराने वाले। ओके, वेरी गुड मॉर्निंग। तो गाइज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्लांट पैथोलॉजी। ओके, तो आई थिंक आप लोगों ने कुछ चीजें मुझसे पढ़ी भी होंगी। शेली कह रहे हैं व्हाट इज पैथोलॉजी। शेली, मैंने आप लोग को ये चीज थोड़ा बहुत बताई भी है बेटा, तो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको नहीं पूछना चाहिए था। चलो कोई नहीं, अगर आपको समझ नहीं आया तो आपने दोबारा पूछ लिया, दैट इज ओके। बट ये ऑलरेडी आप लोग के बैच में मैं अच्छे से करा भी चुकी हूँ, ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग बेटा, वेरी गुड मॉर्निंग। तो बच्चा सबसे पहले हम लोग को प्लांट प्रोटेक्शन में प्लांट पैथोलॉजी पढ़ना है। देखो प्लांट प्रोटेक्शन, व्हाट इज प्लांट प्रोटेक्शन। प्लांट प्रोटेक्शन इज बेसिकली कि जहां पर हम लोग प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं, उनको कैसे कंट्रोल करना है इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि हमारी क्रॉप्स होती हैं। अब यू नो कि हमारी क्रॉप्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है, और कोविड के बाद तो आई नो सब लोग जानते ही हैं बहुत अच्छे से। जैसे कोविड के टाइम पे सबसे ज्यादा नीड किसकी थी, फूड की थी, राइट। हर किसी को खाना चाहिए था, कितने सारे लोग अपना जॉब छोड़ के कहीं जाना पड़ा बहुत सारे लोगों को, है ना। उनकी डेली लाइफ रूटीन जो था बहुत खराब हो गया, काफी हद तक डिस्ट्रॉय हो गया, है ना। तो उस टाइम पे मेनली जो लोगों को रिक्वायरमेंट थी वो थी फूड की, और मोस्टली जो ये फूड भेजा गया था, जिन लोगों ने भी डोनेट किया था, ये सारा FCI के गोडाउन से आया था ये सारा फूड, है ना। तो जो लोगों ने, जो इंडियन गवर्नमेंट ने स्टोर करके FCI भी रखवाया था, उस टाइम पे वो ही फूड आपका हर जगह बांटा गया था, जितने भी लोगों ने बांटा था फूड, है ना। जितने बड़े बड़े फिल्म स्टार्स के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, गवर्नमेंट ने भी कई जगह फूड ये फूड स्टॉल्स लगाए थे, लोगों को सेल किया था, है ना। बहुत कम रेट में उस टाइम पे फूड को सेल किया गया था, तो बहुत सारी चीजें उस टाइम पे करी गई थी बेटा। तो बेसिकली यू नो कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ क्रॉप्स, क्रॉप्स की क्या इम्पोर्टेंस है, लाइक वीट है, राइस है, ठीक है। हम बाहर का जंक फूड कितना भी खा लेना, बट हमारे घर के जो खाने की, यानी कि जो दाल चावल और रोटी है, इसकी इम्पोर्टेंस कभी खत्म नहीं होती। आप बाहर का खाना खाओगे, एक दिन खाओगे, दो दिन खाओगे, तीन दिन खाओगे, उसके बाद बोर हो जाओगे। लेकिन क्या राइस और ये चपाती दाल चावल खा करके आप बोर होते हो? कभी भी नहीं। वो हमारा नेचुरल फूड है जिसकी रिक्वायरमेंट हमारी बॉडी को होती है। एक ना एक टाइम के बाद आपकी बॉडी मांगती है कि भाई मुझे दाल चाहिए, मुझे चपाती चाहिए, मुझे राइस चाहिए, है ना, ज्यादा दिन अगर आप बाहर का खाना खा लो। सो बेसिकली गाइस इसके लिए हमारे क्रॉप्स को बाकी डिजीज से प्रोटेक्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रॉप्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स नहीं खाएंगे, अगर हम प्रोटीन्स नहीं लेंगे इस टाइप के फूड से, तो हमारी बॉडी धीरे धीरे वीक हो जाएगी, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे, है ना बेटा। तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो प्लांट पैथोलॉजी यहाँ पर क्या है, तो इसी के लिए बेटा, किसी भी डिजीज से बचाने के लिए, अच्छे प्रोडक्शन के लिए, ताकि सारे लोगों को फूड अवेलेबल हो, इसके लिए जनरली प्लांट प्रोटेक्शन करा जाता है, ठीक है। और प्लांट प्रोटेक्शन में सबसे पहले आता है, इसमें आप एंटोमोलॉजी वाला पोर्शन भी पढ़ोगे, लेकिन इसमें प्लांट पैथोलॉजी का जो पोर्शन है वो मैं डील करूंगी, ठीक है। तो बेटा देखो, पैथोलॉजी क्या होता है? सो बेसिकली ये दो वर्ड से मिलके बना होता है। एक्चुअली पैथोस, पैथोलॉजी जो है ये एक टाइप का ग्रीक वर्ड है, ठीक है, इट इज अ ग्रीक वर्ड, ध्यान रखिएगा, कई बार ये क्वेश्चन आता है एग्जामिनेशन में। तो प्लांट जो पैथोलॉजी है वो बेसिकली ग्रीक वर्ड है। अब देखिए प्लांट पैथोलॉजी इसको क्यों बोलते हैं, तो बच्चों पहले पैथोलॉजी हम लोग समझ लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग प्लांट पैथोलॉजी पर चलेंगे, ठीक है। तो देखो बेटा, पैथोलॉजी बेसिकली दो वर्ड से मिलकर के बना है। फर्स्ट इसका मतलब होता है पैथोस, और सेकंड इसका वर्ड होता है लोगोस। तो पैथोस मींस होता है सफरिंग, सफरिंग, ठीक है, सफरिंग। एंड लोगोस मींस होता है टू स्पीक और टू स्टडी, टू स्पीक और टू स्टडी, ठीक है। अब देखो, आपको थोड़ा थोड़ा ये चीजें समझ में आने लगी होंगी। तो देखो बेटा, जब भी कोई प्लांट किसी भी डिजीज से सफर करता है, राइट, जब भी कोई प्लांट किसी भी डिजीज से सफर करता है, उसे कोई प्रॉब्लम होती है, उसे कोई डिजीज होती है, सो उसको हम क्या बोलते हैं, पैथोस। एंड लॉजी जब हम उसके बारे में स्टडी करते हैं, तो पैथोलॉजी इज बेसिकली नॉट ओनली प्लांट, अभी हम प्लांट की बात नहीं करेंगे, जब कोई भी एनीवन, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो कोई भी हो, जब वो किसी भी डिजीज से सफर करता है, तो उस टाइम पे जब हम उस डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, तो उसको बोला जाता है पैथोलॉजी। अब प्लांट पैथोलॉजी क्या है, जब हम प्लांट्स की डिजीज के बारे में पढ़ते हैं, भाई प्लांट है, आप लोगों ने देखा होगा कई बार कोई प्लांट अपने छोटा ही लगाया, वो सूखने लगा, खराब हो गया, इट मींस कि उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया है, और उस इन्फेक्शन की वजह से वो सूखने लगा है। कई बार आप देखते हो कि बड़े बड़े प्लांट्स हैं, वो सडनली ड्राई हो जाते हैं, तो दैट मींस कि उसे कोई बीमारी हो गई है, उसे कोई डिजीज हो गई है। कई बार आप देखते हो उसकी लीव्स जो है वो येलो होने लगी है, अभी नया ही प्लांट लगा है, उसकी नई नई लीव्स येलो हो गई है, तो इट मींस कि उसे कोई डिजीज हो गई है, जिसकी वजह से वो इस टाइप का रिस्पॉन्स कर रहा है ना।
या फ्रूट्स आप देखते हो कई बार कि काले हो गए है ना, खराब हो गए फ्रूट्स, पहले ही ड्रॉपिंग हो गई, फ्रूट्स बड़े ही नहीं हो रहे हैं. सो बेसिकली दीज आर ड्यू टू द पैथोजेंस. ये डिफरेंट टाइप के इन्फेक्शंस की वजह से होता है बेटा. जब प्लांट बीमार हो जाता है तो उसकी वजह से जनरली इस टाइप के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं. और जब प्लांट्स के इस टाइप के सिम्टम्स के इस टाइप के डिजीजेस के बारे में हम पढ़ते हैं जिनसे प्लांट सफर कर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड प्लांट पैथोलॉजी. उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? प्लांट पैथोलॉजी बोलते हैं. तो बच्चों प्लांट पैथोलॉजी का एक दूसरा नाम भी है, इसको फाइटोपैथोलॉजी भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा? फाइटोपैथोलॉजी भी इसको बोलते हैं. अब देखो बेटा, फाइटोपैथोलॉजी का मतलब क्या होता है तो समझना ध्यान से. फाइटोन का मतलब होता है बेटा प्लांट. फाइटोन का मतलब होता है प्लांट, ठीक है. और पैथोलॉजी मतलब क्या हो गया भाई? जब वो किसी डिजीज से सफर कर रहा है, सीधी सी बात. तो प्लांट पैथोलॉजी फाइटोपैथोलॉजी एक ही बात है, ठीक है. तो फाइटोन मींस होता है प्लांट, इसलिए इसको कभी कभी प्लांट पैथोलॉजी की जगह फाइटोपैथोलॉजी भी बोल दिया जाता है. क्लियर? अब देखो बच्चों, यहाँ पर प्लांट पैथोलॉजी में हम बहुत सारी चीजें पढ़ते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ. अब देखो बेटा, ह्यूमन पैथोलॉजी भी होती है, जिसे आप लोगों ने देखा होगा जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो वहां पर पैथोलॉजी लैब्स अलग से लिखा होता है. तो पैथोलॉजी लैब्स किसकी होती है? ह्यूमन पैथोलॉजी लैब, जहाँ पर जैसे कभी भी आप बीमार हो गए है ना, आपके ब्लड सैंपल्स लिए जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें, जैसे यूरिन सैंपल लिया जाता है, स्टूल सैंपल लिया जाता है, और लाइक बहुत सारी चीज़ें ली जाती हैं, ठीक है. जैसे स्प्लिट सैंपल लिया जाता है, तो स्पूटम सैंपल लिया जाता है, इसके अलावा बहुत सारे सलाइवा सैंपल, बहुत सारे सैंपल्स लिए जाते हैं. तो इनकी सब की टेस्टिंग कहाँ होती है? लैब्स में होती है. और तब ये डायग्नोस करा जाता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को कौन सी डिजीज़ है, क्यों ये बेचारा बीमार है ना. तो ये सब कुछ पैथोलॉजी लैब में किया जाता है. तो बच्चों ऐसे ही जैसे ह्यूमंस की डिजीज को, जैसे हम लोगों की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, तो ऐसे ही प्लांट्स की डिजीज को डायग्नोस करने के लिए प्लांट पैथोलॉजी लैब्स होती हैं, ठीक है. तो अब आपको समझ में आ गया, जब भी हम प्लांट डिजीजेस के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है पैथोलॉजी. तो शेली, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू व्हाट इज पैथोलॉजी. सो व्हेन वी स्टडी अबाउट द डिजीज, जब हम किसी भी डिजीज के बारे में पढ़ते हैं तो उसको बोला जाता है पैथोलॉजी. क्लियर? चलिए अब आगे चलते हैं बच्चों. अब पैथोलॉजी में बहुत सारी चीजें होती हैं बेटा जिनके बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक है. तो हम पढ़ रहे हैं प्लांट पैथोलॉजी, तो हम प्लांट पैथोजेंस के बारे में पढ़ेंगे. अब दूसरा वर्ड आता है बेटा इसमें पैथोजन. पैथोजन, पैथोजन क्या होता है बेटा? ये हम उस एंटिटी के लिए यूज करते हैं, ये हम उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जो बहुत ही छोटा है लेकिन पूरे प्लांट को बीमार करने की एबिलिटी रखता है, उसके बारे में उसको हम बोलते हैं पैथोजन. लाइक जैसे हम लोग पढ़ते हैं वायरल डिजीज, फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज. अभी कोविड हुआ, कोविड का वायरस कितना छोटा था? इतना छोटा था, बहुत छोटा था, है ना. बट वो कि उसको हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं. क्यों? उसके अंदर वो एबिलिटी है कि वो डिजीज कॉज कर सकता है. तो बच्चों बीमार करने वाले किसी भी ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? पैथोजन बोलते हैं. इवन दो चाहे वो आपका बैक्टीरिया हो, इवन दो चाहे वो आपका वायरस हो, इवन दो चाहे वो आपका फंगस हो. सो बेसिकली उसको बोला जाता है बेटा प्लांट पैथोजन. उसको क्या बोला? नॉट प्लांट पैथोजन, बेसिकली पैथोजन, ठीक है. तो पैथोजन हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के लिए यूज करते हैं जो डिजीज कॉज करता है. विच कैरी वैक्टर? यस. अब देखो बेटा, जैसे कि प्लांट्स में क्या होता है कि वायरसेस कुछ डिजीज करते हैं, ठीक है. अभी मैं डिटेल में अभी इसको बताऊंगी. तो वायरसेस जो डिजीज करते हैं, वायरस खुद से ट्रांसफर नहीं करते डिजीज. आप लोग बोलते हो ना कि वायरल ट्रांसफर हो गया, तो प्लांट्स में भी ऐसे वायरल डिजीज ट्रांसफर होती है, लेकिन उसको ट्रांसफर करने के लिए वायरसेस खुद नहीं जाते, वायरसेस को ले जाया जाता है. और उनको ले जाने का काम कौन करता है बेटा? तो उनको ले जाने का काम करते हैं आपके वैक्टर्स, जैसे कि लीफ हॉपर्स हो गए, ठीक है, टिड्डे वगैरह देखे होंगे आप लोगों ने, है ना. और इसके अलावा छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, जैसे जिसको आप ये देखा है छोटी छोटी लेडी बग, जिसको पास फेल करके भी बहुत ज्यादा बचपन में बच्चे खेला करते थे, है ना. तो लेडी बर्ड हो गया, ऐसे बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं बेसिकली जो यहाँ पर डिजीज को भी ट्रांसफर कर, इस टाइप की डिजीजेस होती हैं तो उनको ट्रांसफर करने का काम भी करते हैं, ठीक है. तो बेसिकली इनको बोला जाता है बेटा, जो डिजीज कॉज करते हैं उनको बोला जाता है पैथोजन. क्या बोला जाता है बेटा? पैथोजन. क्योंकि पैथोजन हमारे वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है बेटा. चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर. अब देखिए यहाँ पर पैथोजन के अलावा नेक्स्ट अब आएगा बेटा हमारे पास. अब देखो बेटा, यहाँ पर जो प्लांट पैथोलॉजी में जो डिजीज कॉज करते हैं वो होते हैं हमारे दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, ठीक है. दो टाइप के ऑर्गेनिज्म, एक होते हैं बेटा हमारे एबायोटिक ऑर्गेनिज्म,
ठीक है, एक होते हैं बेटा, ये सारे नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, अभी बस आप लोग बस ध्यान से समझो मैं क्या बता रही हूँ आपको, ठीक है। एबायोटिक ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं बेटा आपके बायोटिक ऑर्गेनिज्म। अब देखो बेटा, बायोटिक और एबायोटिक में डिफरेंस क्या होता है, तो बायोटिक और एबायोटिक ऑर्गेनिज्म में ये डिफरेंस होता है बेटा, एबायोटिक आर इनएनिमेट कॉज, इनएनिमेट कॉजेस। एबायोटिक को क्या बोला जाता है बेटा, इनएनिमेट कॉजेस बोला जाता है, सॉरी एबायोटिक और बायोटिक को बोला जाता है एनिमेट कॉजेस। तो देखो बेटा यहाँ पर एक बात समझना आप, एनिमेट इन एनिमेट कॉजेस क्या होते हैं ये भी हम समझेंगे, है ना। तो बेटा देखो, बायो मींस क्या होता है, लिविंग, बायो मींस क्या होता है, लिविंग, और ए बायो मींस नॉन लिविंग। तो ऐसे फैक्टर्स जो लिविंग हैं और डिजीज कॉज करते हैं तो उनको हम बोलते हैं बायोटिक फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा, बायोटिक फैक्टर। सो बेसिकली ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो लिविंग हैं और डिजीज कॉज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, बायोटिक बोलते हैं। लाइक जैसे आपके फंगस हो गए, लाइक जैसे आपके बैक्टीरिया हो गए, ये लिविंग है ना बेटा, ठीक है, फंगस हो गए, बैक्टीरिया हो गए, नेमेटोड्स हो गए, एल्गा हो गए, ठीक है। सो बेसिकली दीज आर लिविंग ऑर्गेनिज्म जो डिजीज कॉज करने की एबिलिटी रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पर चलते हैं बेटा, तो इसके बाद आते हैं हमारे एबायोटिक ऑर्गेनिज्म। अब एबायोटिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं बेटा, तो ए मींस होता है नॉन लिविंग। सो बेसिकली ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर या फिर न्यूट्रिएंट। सो बेसिकली जब किसी भी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से भी तो प्लांट बीमार हो जाता है। भाई एक बात बताओ, कोई जरूरी नहीं है हमेशा हमारी बॉडी में इन्फेक्शन ही हो। कई बार आप लोगों ने देखा होगा हमारी स्किन पे ब्राउन कलर के बहुत सारे पैचेस हो जाते हैं, मिलाजमा हो जाता है बहुत सारे लोगों को, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा जनरली न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से होता है। तो वो जो न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी वो क्लियरली आपके स्किन पर दिखा देती है कि आपकी बॉडी में न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी हो रही है। जैसे आयरन की डेफिशिएंसी होती है तो आयरन की डेफिशिएंसी से ब्राउन कलर के पैचेस होते हैं, कैल्शियम की डेफिशिएंसी। तो बेसिकली इस टाइप की डेफिशिएंसी जब हमारी बॉडी में रिस्पॉन्ड करती है तो प्लांट्स में भी तो ये रिस्पॉन्ड करती है। तो जैसे राइस की हमारी क्रॉप होती है तो राइस में जनरली आप सुनते हो खैरा डिजीज। खैरा डिजीज क्या होता है बेटा, तो खैरा एक डिजीज होती है बेसिकली जो जिंक की डेफिशिएंसी से होती है। तो जब भी सॉइल में जिंक की डेफिशिएंसी होती है, ऐसी सॉइल में जब आप राइस को लगाते हो बेटा, तो उस सॉइल में राइस, अब प्लांट सारे न्यूट्रिएंट कहाँ से लेता है, सॉइल से लेता है। तो जब उसको सॉइल से सारे न्यूट्रिएंट नहीं मिल पाते, आई मीन उसको जिंक नहीं मिल पाता, तो उसमें खैरा डिजीज हो जाती है। तो बेटा ड्यू टू एनवायरमेंटल फैक्टर, जब किसी भी एनवायरमेंट फैक्टर की वजह से या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से जब कोई भी डिजीज होती है तो उसको बोला जाता है एबायोटिक, ठीक है। क्या बोला जाता है बेटा, एबायोटिक, ठीक है। सो बेसिकली बायोटिक फैक्टर यानी कि आपके लिविंग फैक्टर, यानी कि आपके बैक्टीरिया, वायरस और बैक्टीरिया, फंगस, नेमेटोड, ये जो इन्फेक्शन कॉज करें इनको बोला जाता है एनिमेट कॉजेज यानी कि बायोटिक फैक्टर। और एबायोटिक फैक्टर जैसे आपके न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से कुछ हो रहा है तो उसको बोला जाता है एबायोटिक फैक्टर्स, ठीक है। प्लांट सैप इज द सैंपल फॉर डायग्नोसिस, यस प्लांट सैप इज द सैंपल फॉर डायग्नोसिस, प्लांट सैप को लिया जाता है बेटा डायग्नोसिस के लिए, बिल्कुल सही है ना। चलो आगे चलते हैं बेटा, इसके बाद हमारे पास एक और फैक्टर होता है बेटा जिसको हम बोलते हैं मीजोबायोटिक फैक्टर। मीजोबायोटिक फैक्टर्स क्या होते हैं बेटा, व्हाट इज द मीजोबायोटिक फैक्टर। सो बेसिकली वी कैन से कनेक्टिव लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक, राइट, कनेक्टिव लिंक बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। नाउ यू विल आस्क, मैम बायोटिक और एबायोटिक, इधर ऑर्गेनिज्म विल बी लिविंग और इधर नॉन लिविंग, व्हाट इज द मिड लिंक, व्हाट इज द मिड सिचुएशन, ये बीच की सिचुएशन क्या है, या तो वो लिविंग होगा या नॉन लिविंग होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो बीच का ऑर्गेनिज्म हो? यस गाइस, दिस ऑर्गेनिज्म इज वायरस। ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं हमारे, वायरसेस होते हैं। बिकॉज वायरसेस, व्हेन वायरसेस आर आउटसाइड द लिविंग बॉडी, अगर वायरस किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर है सो इट विल बी डेड, इसकी बॉडी में कुछ भी नहीं होगा, इसकी बॉडी डेड हो जाएगी, है ना, इसकी बॉडी डेड हो जाएगी। यस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर वायरस बॉडी से बाहर है, किसी भी लिविंग बॉडी से बाहर है बेटा, तो वो वायरस क्या हो जाएगा, डेड हो जाएगा। उसकी बॉडी में ना ही रिप्रोडक्शन होगा ना ही ग्रोथ होगी। नो ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन इन अकर्स इन अ बॉडी ऑफ वायरसेस। वायरसेस की बॉडी में ना ही किसी टाइप की ग्रोथ होगी, ना ही किसी टाइप का रिप्रोडक्शन होगा, ना ही किसी टाइप का चेंजेस आएंगे। बट व्हेन इट विल come to the living host,
it will come into the contact between contact with the living host. So it will start to replicate, it will start to increase its number. So beta, jaise ye kisi living body mein aayega, वैसे ये क्या करेगा, अपने नंबर को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करेगा, अपने नंबर को बढ़ाना शुरू कर देगा. एंड टू इंक्रीज द नंबर ऑफ ओन, सो इट इज द नेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. ये लिविंग ऑर्गेनिज्म का नेचर है भाई, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ही अपने नंबर्स को इंक्रीज करता है, वो ही अपने नंबर्स को बढ़ाता है, राइट. सो बेसिकली वायरसेस आर मेसोबायोटिक बिकॉज दीज हैव द कैरेक्टर अबाउट द बायोटिक एंड एबायोटिक. तो इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों के फैक्टर्स होते हैं. यस, लिविंग टेक ओवर द मशीनरी ऑफ होस्ट, यस डेफिनेटली, राइट. तो बच्चों इसमें बेसिकली क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक दोनों के कैरेक्टर होते हैं. जब ये आउटसाइड द बॉडी है तो ये लिविंग होता है, नॉन लिविंग होता है, और जब ये इनसाइड द लिविंग बॉडी है, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑब्लिगेट पैरासाइट गाइस? ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब क्या होता है बेटा? तो ऑब्लिगेट पैरासाइट का मतलब होता है दोज ऑर्गेनिज्म which can strictly live in the body of living host. जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग बॉडी के अंदर रहते हैं, नॉन लिविंग बॉडी के अंदर ये नहीं रह सकते हैं. तो उसको बोला जाता है बेटा, इसको बोला जाता है ऑब्लिगेट पैरासाइट. क्या बोला जाता है बेटा? ऑब्लिगेट पैरासाइट बोला जाता है. क्लियर? ओके, सो बेसिकली ये होते हैं हमारे मेसोबायोटिक फैक्टर. अब आगे चलते हैं बेटा, नाउ प्लांट पैथोलॉजी के कुछ ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ लेते हैं, राइट. तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव होता है बेटा प्लांट पैथोलॉजी का, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव में हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ओरिजिन ऑफ डिजीज. सबसे पहला ऑब्जेक्टिव प्लांट पैथोलॉजी का क्या होता है बेटा? हम लोग पढ़ते हैं कि ओरिजिन ऑफ डिजीज, डिजीज की ओरिजिन कहाँ से हुई, कोई भी डिजीज है वो आई कहाँ से, कैसे ये डिजीज हुई, ठीक है, इसका ओरिजिन क्या था, कैसे ये डिजीज हुआ, और इसके रिजल्ट्स एंड लॉसेस क्या हुए. तो इसकी वजह से क्या क्या, मतलब क्या क्या हमें लॉसेस देखने पड़े, कहाँ से ये डिजीज आई और किस तरीके से ये इन्फेक्शन हुआ. सबसे पहला पॉइंट हमारा ये होता है कि हम ओरिजिन उसकी देखते हैं पैथोजन की, ठीक है, कि कैसे ये डिजीज हुई, इसकी ओरिजिन क्या थी, कौन से इसके फैक्टर्स थे, कौन से फैक्टर्स की वजह से हुई, और इसके फैक्टर्स लिविंग थे या नॉन लिविंग थे. सबसे पहला चीज़ हम ये पढ़ते हैं. तो बेटा अगर हमें ये पता चल जाए कि ये डिजीज कहाँ से आई है, और दूसरा इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका ट्रीटमेंट लेते हैं. आप लोगों ने डॉक्टर को देखा होगा, डॉक्टर पूछता है, डॉक्टर टेस्ट करवाता है, क्यों, ताकि उसको ये पता चले कि बीमारी क्या है, ये डिजीज क्या है, ये प्रॉब्लम क्या है, ताकि उसको ये चीज़ पता चले. और जब उसको ये चीज़ पता चल जाती है ना, तो आफ्टर दैट वो इजीली डायग्नोस कर पाता है कि आपको कौन सी डिजीज हो रही है, ठीक है बेटा. ओके, तो इटली यहाँ पर भी सेम प्लांट्स के लिए यही है कि यार ये डिजीज किसी बायोटिक फैक्टर की वजह से हो रही है या फिर एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रही है. भाई अगर एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रही है, मीन्स किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से हो रही है, तो सीधी सी बात, वो न्यूट्रिएंट आप दे दो. अगर जिंक की डेफिशिएंसी से हो रही है तो जिंक दे दो, अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी से तो कैल्शियम दे दो. बट अगर वो ड्यू टू द पैथोजन हो रही है, लाइक बैक्टीरिया, वायरस और फंगस, तो अगर बैक्टीरिया की वजह से हो रही है तो एंटी बैक्टीरियल दे दो, है ना. तो हम ट्रीटमेंट भी तो उसी के अकॉर्डिंग देंगे ना, जब हमें पता चलेगा कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. तो इसलिए सबसे पहले हम ये डायग्नोस करते हैं बेटा कि दैट इज लिविंग और नॉन लिविंग, विच फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू कॉज दैट डिजीज, एंड व्हाट अबाउट द ओरिजिन ऑफ दैट डिजीज, कि उसका ओरिजिन क्या है और कौन सा फैक्टर उसको कॉज कर रहा है. आफ्टर दैट हम उसके बारे में पढ़ते हैं बेटा पैथोजेनेसिस के बारे में. What is pathogenesis? How the pathogen enter inside the body of host? कि वो pathogen आया कैसे, उसने enter कैसे किया, right? उस pathogen ने enter कैसे किया और कितने time में उसने infection किया. भाई सीधी सी बात है, आप किसी जगह पहली बार जाते हो ना बेटा, तो आप सबसे पहले खुद को वहाँ के environment के according adapt करते हो, right? मैम अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है तो क्या स्टेप लेंगे बेटा? देखो अगर आयरन टॉक्सिसिटी हो रही है, दैट मींस कि आयरन की अवेलेबिलिटी बहुत ज़्यादा हो गई, तो आपको आयरन की अवेलेबिलिटी लेस करनी होगी, आपको आयरन वहाँ से लीच आउट करना होगा. तो लीच आउट करने के कुछ तरीके होते हैं जो आप इकोनॉमी में पढ़ते हो, ठीक है, सॉइल साइंस में आप पढ़ते हो. तो इनके जो न्यूट्रिएंट्स कभी कभी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो इनके लेवल को कम करने के लिए हम इनके लिए कुछ स्टेप्स, जैसे लीच आउट करने के लिए कई बार तो ये होता है, जैसे सॉल्ट है तो कई बार क्या होता है कि सॉल्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है सॉइल में, तो उस टाइम पे हम सॉल्ट को अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा वाटरिंग कर देते हैं, जिसकी वजह से सारा वाटर लीच आउट होकर के वो सॉल्ट जो है वो नीचे आ जाता है और ऊपर की सॉइल हमारी सही हो जाती है. तो
इस टाइप से बाकी न्यूट्रिएंट्स के लिए भी हम कुछ ना कुछ प्रोसेसर यूज़ करते हैं बेसिकली। तो जो प्रोसेसर्स जनरली हम यहाँ पर यूज़ करते हैं, तो वो मतलब आप सॉइल साइंस में ज़्यादा अच्छे से डिटेल में पढ़ोगे, क्योंकि उसमें आप होराइजन्स के बारे में भी पढ़ते हो। ठीक है, हेलो मैम, मुझको कोर्स परचेज करना है। बेटा आपने कोर्स परचेज किया है तभी तो आप इस बैच में हो, इसके अलावा भी आपको कोई और कोर्स परचेज करना है? पोस्चर वाला मुझे समझ में नहीं आया बेटा आपका कमेंट, आप क्या पूछना चाह रहे हो एक बार आप क्लियरली मेंशन करो, मुझे आपका कमेंट नहीं क्लियर हो रहा है। ठीक है, अब देखो बेटा, सो व्हाट इज पैथोजेनेसिस? पैथोजेनेसिस क्या होता है कि आप जब, हाँ हम बात कर रहे थे कि जब आप किसी भी नई जगह पर जाते हो, तो नई जगह पर जाने के बाद आप क्या करते हो बेटा, नई जगह पर जाने के बाद आप बेसिकली जो जैसे कि फॉर एग्जांपल आप जब किसी भी नई जगह पर जाते हो, तो आप सबसे पहले क्या करते हो कि आप वहाँ के अकॉर्डिंग खुद को अडेप्ट करते हो, है ना? अच्छा, ओके ओके ओके, राइट राइट राइट, ओके। सो बेसिकली हाँ मैं आपको एट द एंड बता दूंगी, सुनी क्लास के एंडिंग में मैं आपको बता दूंगी। ठीक है, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा, तो जो आपके स्टार्टिंग के जैसे कि जब आप किसी भी जगह नई जगह जाते हो ना, तो नई जगह जब आप जाते हो सबसे पहले, तो वहाँ पर आप क्या करते हो, वहाँ पर आप अडेप्ट होने की कोशिश करते हो कि यार यहाँ पर सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा कि क्लाइमेटिक कंडीशन मेरे अकॉर्डिंग है या नहीं है, क्योंकि कई बार जब हम किसी नई जगह पर जाते हैं ना, तो हम बीमार होने लगते हैं, बार बार होते हैं ना। तो ऐसा क्यों होता है बेटा? ऐसा इसलिए होता है जब हम बार बार बीमार होने लगते हैं, तो वहाँ पर क्लाइमेटिक कंडीशन हमें सूट नहीं करती। तो सीधी सी बात है कि जब क्लाइमेट सूट नहीं कर रहा, तो आप लॉन्ग टाइम तक वहाँ पर रह नहीं पाओगे। तो हम वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन अगर अच्छी है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, हम अगर क्लाइमेटिक कंडीशन अच्छी है, तो हम अपने वेल सेटल एक अच्छा सा रूम ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग वहाँ पर अपनी फैमिली को भी लेके जाते हैं, फिर अपना घर भी बना लेते हैं, फिर हम अपनी जनरेशन को और बड़ा कर देते हैं, है ना, पूरी फैमिली बना लेते हैं, ये करते हैं। तो ऐसे ही पैथोजन भी करता है। पैथोजन जैसे ही होस्ट के कॉन्टेक्ट में आया बेटा, तो क्या करेगा, वो सबसे पहले अडेप्ट करेगा, अंदर गया होस्ट की बॉडी में, उसने अडेप्ट करना शुरू कर दिया, अडेप्ट कर दिया अच्छे से, अब ग्रोथ करता है अच्छे कर सकता है अच्छे से, बहुत अच्छी बात। अब वो अपनी क्या करेगा बेटा, कॉलोनीज बनाना शुरू करेगा, अब वो रिप्रोडक्शन शुरू करेगा, और रिप्रोडक्शन में वो अपने 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरीके से अपनी बहुत सारी कॉलोनीज को बनाना शुरू कर देगा। तो बेटा जब वो बहुत सारी अपनी कॉलोनीज बनाएगा, तो इसकी वजह से क्या होगा बच्चों, इन कॉलोनीज को बनाने की वजह से बेसिकली आपके जो जितनी सारी वो कॉलोनीज बनाएगा 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 ना, तो इसकी वजह से क्या होता है बेटा कि इसकी वजह से आपका जो पर्टिकुलरली जैसे कि अगर हम बात करें कि जब बहुत सारी कॉलोनीज बनेंगी, तो इन कॉलोनीज में ये मतलब वो उसके जो नंबर ऑफ बैक्टीरिया हैं या नंबर ऑफ वायरसेस हैं या जो भी हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, तो इसको बोला जाता है बेटा पैथोजेनेसिस, यानी कि वो जितने किस तरीके से उसने एंटर किया और कैसे उसने अपने नंबर ऑफ कॉलोनी को बढ़ाया, ठीक है, कैसे उसने अपने नंबर ऑफ कॉलोनी को बढ़ाया, तो उसको बोला जाता है बेटा पैथोजेनेसिस। तो हमने ये सबसे पहले ये जाना कि कहाँ से ये पैथोजन आया था, उसकी स्टडी करी, इसके बारे में ये जाना कि वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, फिर उसके बाद हमने ये देखा कि इसने कैसे एंटर किया और इसने कैसे अपने नंबर्स को इंक्रीज किया, एंड आफ्टर दैट हम क्या करेंगे बेटा, उसके बाद हम उसके लिए कुछ कंट्रोल मेजर्स देखेंगे कि हाउ वी कैन कंट्रोल दैट डिजीज, हम उस पर्टिकुलर पैथोजन को, हम उस पर्टिकुलर डिजीज को कैसे कंट्रोल करेंगे, उसके बाद हम उसके बारे में ये चीज देखेंगे कि हाउ वी विल कंट्रोल दिस डिजीज, हम इस डिजीज को कंट्रोल करेंगे कैसे। ठीक है, और इसी के साथ साथ हम उसके रिजल्ट एंड लॉसेस के बारे में भी पढ़ेंगे कि भाई रिजल्ट एंड लॉसेस क्या क्या है इनके, क्या मतलब इस डिजीज के एंडिंग में हमें क्या क्या लॉसेस होंगे अगर ये डिजीज ज्यादा सीवियर हुई, और क्या क्या मतलब कितनी क्रॉप्स हमारी डिस्ट्रॉय होंगी, तो ये सारी चीजें हम लोग पढ़ते हैं बेटा। तो दीज आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, तो ये जनरली हमारे प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। सबसे पहले हम डिजीज की ओरिजिन के बारे में पढ़ते हैं, कहाँ से आई है, कैसे हुई है, कौन सा इसका फैक्टर है, फिर उसके बाद हम उस पैथोजन के बारे में पढ़ते हैं, उसकी पैथोजेनेसिस पढ़ते हैं, कैसे इसने अपने नंबर्स को इंक्रीज किया। आफ्टर दैट हम लोग ये पढ़ते हैं कि किस तरीके से ये इन्फेक्शन हुआ और कितना सीवियर ये इन्फेक्शन है। इसके बाद हम लोग ये पढ़ते हैं कि उसके रिजल्ट्स एंड लॉसेस क्या हैं, हम किस तरीके से इसको कंट्रोल कर सकते हैं, तो उसके लिए कंट्रोल मेजर्स जनरली हम यहाँ पर यूज करते हैं। ठीक है बेटा, तो ये बेसिकली हमारे सीवियर इन्फेक्शन होते हैं बेटा। ठीक है, तो ये हमारे प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव होते हैं। ओके, तो यहाँ तक सभी को क्लियर है तो बताओ मुझे, फिर हम आगे चलते हैं बेटा। यहाँ तक सभी को क्लियर है तो हम आगे चलते हैं बेटा, जल्दी से बताओ मुझे, यहाँ तक ऑल क्लियर सभी को, जल्दी बताओ, है ना? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है तो यू गाइस कैन आस्क बेटा, आप लोग पूछ सकते हो।
ऑल क्लियर, ठीक है, किसी को कोई डाउट नहीं। अच्छा, कितने बच्चे हैं जिसमें पहली बार प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं बेटा? कितने ऐसे बच्चे हैं जो पहली बार प्लांट प्रोटेक्शन पढ़ रहे हैं? अच्छा, FLCU, आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा? अच्छा, अशोक भी पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके ओके, दो ही बच्चे हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं, बाकी बच्चों ने पढ़ा हुआ है पहले। ओके, अल्पेश, ओके, लक्ष्मी, जावेद, ओके ओके ओके। अच्छा, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो पहली बार पढ़ रहे हैं। ओके 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 ओके, सो यू आर फ्रॉम द नॉर्मल बैकग्राउंड राइट? आप आई थिंक बायो बैकग्राउंड से। ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, जो भी चीज समझ में नहीं आए आप लोग डायरेक्टली पूछ लीजिएगा, ठीक है, यू आर फ्री टू आस्क। बट ये है कि कोई भी चीज ऐसी मत रखिएगा कि समझ में नहीं आई और आपने फिर मुझसे पूछा भी नहीं, ठीक है, दैट विल नॉट गुड, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग को चीजें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आप लोग को एग्जाम क्लियर करना है, ठीक है। चलिए, सो बेसिकली यहाँ पर अगर हम बात करें गाइस, तो ये हमारे प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जो पूरी प्लांट पैथोलॉजी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज डिजीज ट्राइंगल। ये होता है बेटा हमारा एक ट्राइंगल जिसको हम नाम देते हैं डिजीज ट्राइंगल, ठीक है, डिजीज ट्राइंगल। मतलब अगर ये ट्राइंगल नहीं बना तो कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा, ठीक है, कोई भी इन्फेक्शन नहीं होगा अगर ये डिजीज ट्रायंगल नहीं बना तो। अब देखो बेटा, इस ट्रायंगल में तीन तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं। फर्स्ट वन इज होस्ट, नेक्स्ट वन इज पैथोजन, एंड थर्ड वन इज एनवायरनमेंट, ठीक है। अगर इन तीनों में से एक भी चीज नहीं हुई ना, तो ये समझ लो कि कोई भी डिजीज नहीं होगी। अब पैथोजन तो आप जानते हो, पैथोजन बेसिकली वो ऑर्गेनिज्म होता है जिसके बिना डिजीज हो नहीं सकती। होस्ट, होस्ट वो है जो जैसे कोविड के लिए हम थे, कोविड किसको हुआ, ह्यूमंस को हुआ ना, तो कोविड के लिए होस्ट क्या हुआ, ह्यूमन हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी में आने के बाद वो इन्फेक्शन कर रहा है। भाई सीधी सी बात है कि अगर होस्ट नहीं होगा, अगर प्लांट नहीं होंगे तो इन्फेक्शन कैसे होगा, प्लांट का इन्फेक्शन कैसे होगा, प्लांट पैथोजन इन्फेक्शन किसमें करेगा, राइट? एनवायरनमेंट, अगर एनवायरनमेंट फेवरेबल नहीं होगा तो इन्फेक्शन कैसे होगा। अब देखो, समझना इस बात को ध्यान से। देखो बेटा, अगर इन केस कोई पैथोजन बॉडी में एंटर किया, हमें कोई डिजीज, हमें कोई बीमारी कैसे होती है, जब कोई पैथोजन एंटर करता है तो उसके एंटर करने की वजह से क्या होता है कि वो अपने टॉक्सिन्स को रिलीज करता है, जहर घुलता है ना पूरी बॉडी में, अपने टॉक्सिन रिलीज करता है, और उस टॉक्सिन की वजह से क्या होता है, डिफरेंट टाइप के डिफेक्ट्स हो जाते हैं बॉडीज में, जिसकी वजह से हम बीमार हो जाते हैं। जैसे कई बार ये होता है कि हम गंदा खाना खा लेते हैं तो हमें फूड पॉइजनिंग हो जाती है। अब फूड पॉइजनिंग के लिए तो पर्टिकुलर पैथोजन है ना जिसने वो पॉइजन रिलीज किया, उसकी वजह से हमारे पेट का सारा सिस्टम गड़बड़ा गया, और फिर उसके बाद लूज मोशन हो गए, वॉमिटिंग होनी शुरू हो गई, नौसिया हो गया, वॉमिटिंग वाली फीलिंग जो होती है, ठीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती है, हेडेक हो गया, फीवर हो गया, है ना। तो ये किस वजह से होता है बेटा, ये पैथोजन की वजह से होता है ना। तो आप लोगों ने कई बार बड़े बुजुर्गों को घर में बोलते हुए सुना होगा कि इसकी, ये बड़ा बच्चा है, ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे को ज्यादा अच्छे से संभाल के रखो, बड़े बच्चे की भी केयर करो, लेकिन कोई बात नहीं, बड़ा बच्चा अगर थोड़ा सा बाहर चला भी गया तो जल्दी बीमार नहीं होगा। क्यों? क्योंकि बेटा सबकी बॉडी की अपनी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है, ठीक है, सबकी बॉडी की अपनी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है जो किसी भी डिजीज के अगेंस्ट फाइट करती है, लड़ती है, राइट? देखो जैसे डेली हम लोग घर से बाहर निकलते हैं, है ना, डेली बहुत सारे डिजीज आती हैं। आप लोग जनरली, कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि घर पे कोई बीमार है या कोई रिलेटिव बीमार है, आप गए बाहर, आप उनको देखने के लिए गए हॉस्पिटल में, फ्रूट्स लेके गए, है ना, लेकिन क्या हमेशा ऐसा होता है कि आप बीमार पड़ो? नहीं होता ना ऐसा, क्योंकि अब ये तो है वहां पर कि कभी कभी ऐसा होता है कि कोई आपके साथ में गया और बीमार हो गया, दैट मीन्स कि वहां पर तो वायरसेस और बैक्टीरिया है, लेकिन उसका इम्पेक्ट आपके ऊपर नहीं पड़ा, किसी और के ऊपर पड़ा। क्यों? क्योंकि जो कोई और है, जो दूसरा आपके साथ है, उसकी इम्यूनिटी वीक है, उसकी बॉडी में जैसे ही वो पैथोजन गया वो तुरंत बीमार हो गया, उसकी बॉडी की इम्यूनिटी उतना ज्यादा रिस्पोंड नहीं कर पाई, लेकिन आपकी बॉडी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, इसलिए आपकी बॉडी की इम्यूनिटी ने उस पर्टिकुलर जो वो विलन था उसको मार दिया, यानी कि वायरस और बैक्टीरिया को मार दिया, तो दैट मींस कि आपकी बॉडी की रेजिस्टेंस ज्यादा अच्छी है, यानी कि आपकी इम्यूनिटी ज्यादा अच्छी है। तो देखो बेटा, यहाँ पर जो फैक्टर्स होते हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहले कि कोई भी पैथोजन अगर आपकी बॉडी में एंटर किया और उसकी बॉडी में वो पैथोजन जो है वो टॉक्सिन रिलीज नहीं कर सकता, अब अपने आप बॉडी में तो आने को वो आ गया, लेकिन अब वो अपने उसके टॉक्सिन इतने स्ट्रांग है ही नहीं कि वो आपकी बॉडी में आके इन्फेक्शन कर सके। मतलब वही वाली बात ना कि आपकी बॉडी की इम्यूनिटी अच्छी है, या आपके बॉडी में आने के बाद उसने किसी भी तरीके से टॉक्सिन नहीं रिलीज कर पाया, तो भाई जब बॉडी को टॉक्सिन नहीं मिलेगा तो हम बीमार कैसे पड़ेंगे, नहीं पड़ेंगे, है ना। तो ये होता है बेटा सबसे पहले पैथोजन, सबसे पहला फैक्टर पैथोजन, कि अगर पैथोजन टॉक्सिक हुआ, अगर वो जहरीला है तो वो बॉडी में आने के बाद इन्फेक्शन करेगा, लेकिन अगर वो टॉक्सिक नहीं है तो इन्फेक्शन कॉज नहीं कर पाएगा। दूसरा फैक्टर होता है बेटा होस्ट,
होस्ट में क्या होता है बेसिकली, तो होस्ट अगर हमारा, अगर हमारी इम्यूनिटी बहुत अच्छी है, कोविड में प्रॉब्लम किसको हुई, जिसकी इम्यूनिटी वीक थी उसको कोविड हुआ, जिसकी इम्यूनिटी अच्छी थी उसको तो कोविड हुआ ही नहीं ना बेटा, है ना। तो देखो यहाँ पे समझना इस बात को कि होस्ट की अगर इम्यूनिटी पैथोजन आया, उससे हमने टॉक्सिन भी रिलीज किया, लेकिन होस्ट की इम्यूनिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग थी कि उसके एंटीबॉडीज ने उसके अगेंस्ट लड़ा और उसको मार दिया, उसके टॉक्सिन को, पैथोजन को मार दिया उसने, है ना। तो उस कंडीशन में क्या डिजीज होगी, नहीं होगी। तो बेटा ये दोनों फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, पैथोजन शुड बी विरुलेंट, पैथोजन को टॉक्सिक होना चाहिए, विरुलेंट होना चाहिए, एंड होस्ट शुड बी ससेप्टेबल, होस्ट की इम्यूनिटी वीक होनी चाहिए, तभी तो डिजीज होगी। क्योंकि अगर होस्ट की इम्यूनिटी ज्यादा हुई तो भाई सीधी सी बात है कोई डिजीज नहीं होगी, कोई बीमारी नहीं होगी, और पैथोजन अगर विरुलेंट नहीं हुआ तो भी डिजीज नहीं होगी। लेकिन इसमें एनवायरमेंट का क्या रोल है, तो एनवायरमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है बेटा। अगर एनवायरमेंट उस पर्टिकुलर पैथोजन की ग्रोथ को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो डिजीज नहीं होगी। अब मुझे एक बात बताओ, आजकल क्या सीजन चल रहा है, अक्टूबर चल रहा है ना, इससे पहले सितंबर था। इस टाइम पे क्या होता है बेटा, मॉइस्चर भी पीक में होता है, इस टाइम पे टेम्परेचर भी ठीक ठाक अच्छा खासा होता है ना। अब थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन होना शुरू हो जाएगा, दिवाली के बाद तो बिल्कुल ही कम हो जाएगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ठीक है टेम्परेचर, है ना। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, इस टाइम पे टेम्परेचर बहुत अच्छा होता है, और इसी टाइम पे डेंगू भी बहुत अच्छा होता है। आजकल आप डेंगू के केसेस बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, इसको डेंगू हो गया, आजकल हॉस्पिटल्स पूरे डेंगू से भरे हुए है ना। तो ये डेंगू का वायरस क्या आप कभी देखते हो कि फरवरी में आ गया, आपको भी देखते हो मार्च अप्रैल में आ गया, कभी भी नहीं देखते हो, देखा है कभी, कभी सुना है कि मार्च अप्रैल के टाइम पे किसी को डेंगू हो गया, या जनवरी फरवरी में किसी को डेंगू हो गया, किसी ने ऐसा सुना है तो मुझे बताओ, बताओ किसी ने सुना है ऐसा, बोलो, नहीं सुना है ऐसा। क्यों नहीं सुना है बेटा, क्योंकि उस टाइम पे जो एनवायरमेंटल कंडीशन होती है वो अच्छी नहीं होती है, और जब एनवायरमेंटल कंडीशन अच्छी नहीं है बेटा, उस टाइम पे देखो जगह जगह पानी इकट्ठा तो नहीं होता हर जगह, जैसे अभी इस टाइम पे क्या होता है कि जगह जगह पानी कलेक्ट हो जाता है हर जगह, है ना। मच्छर होते हैं, मॉस्किटोज होते हैं, इस टाइम पे टेम्परेचर भी अच्छा होता है तो मच्छर वगैरह ज्यादा होते हैं, पानी हर जगह ज्यादा कलेक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से ये छोटे छोटे मच्छर आ जाते हैं, और यही उस वायरस के लिए वेक्टर का काम करते हैं। भाई विंटर सीजन में कहां हम मच्छर को देखते हैं, इतना ज्यादा तो टेम्परेचर डाउन होता है, उस टाइम पे तो मच्छर आ ही नहीं सकते, है ना। इतना ज्यादा टेम्परेचर, एसी चला दो रूम में, एक भी मच्छर नहीं दिखेगा, क्यों, इतने ठंडे टेम्परेचर में बेचारा नहीं रह सकता, मर जाएगा, है ना। तो बेसिकली जो आपकी एनवायरमेंटल कंडीशन होती है बेटा वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। डेंगू के वायरस के लिए जो कंडीशन होती है वो इस टाइम पे सबसे ज्यादा अच्छी होती है, तो इस टाइम पे इसीलिए आप सुनते हो कि इसको डेंगू हो गया, उसको डेंगू हो गया, पूरे हॉस्पिटल में सारे डेंगू के पेशेंट होते हैं, ठीक है बेटा जी, ओके। तो बेसिकली वी कैन से दैट कि दिस डिजीज ट्रायंगल इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कॉज इन्फेक्शन। तो ये बेटा इन्फेक्शन को कॉज करने के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? सो बेसिकली पैथोजन शुड बी विरुलेंट, पैथोजन शुड बी विरुलेंट, पैथोजन कैसा होना चाहिए, विरुलेंट होना चाहिए, पैथोजन शुड बी वेरी टॉक्सिक, दैट्स व्हाई इन्फेक्शन विल अकर। सेकंड कंडीशन इज होस्ट शुड बी ससेप्टेबल, होस्ट शुड बी susceptible means the immunity of host should be very low, तो immunity जो होगी host की वो low होनी चाहिए, and environment should be favorable for the growth of, environment should be favorable for the growth of the pathogen, तो pathogen की growth के लिए environment कैसा होना चाहिए बेटा, favorable होना चाहिए, after that disease will occur, मैम plant protection and involve entomology and pathology for the, yes, Bhumika, yes, okay, yes, so pathogen should be virulent, host should be susceptible, and environment should be favorable. In that condition, when these three conditions will meet up, so it will make the disease triangle, and definitely infection will occur, disease will occur. So beta, aisi condition mein kya hoga, disease zarur hogi, bimari zarur hogi. So beta, yahan tak samajh mein aa gaya, this is clear to you all, tell me guys, this is clear to you all, यहाँ तक सभी को clear है, यहाँ तक किसी को कोई doubt है तो you guys can ask, आप लोग पूछ सकते हो बेटा, done, यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, okay, चलो very nice, so basically बच्चों this is disease triangle, right, susceptible, tolerance and resistance में क्या, देखो बेटा सस्टेबल आपने बोला, सस्टेबल तो कोई वर्ड नहीं होता, सस्टेनेबल होता है, सस्टेनेबल मींस जो अभी है
वो अभी के लिए भी जो हो, हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हो, और जो हमारे पास्ट में भी रहा हो, दैट इज सस्टेनेबल. जो हमें अवेल हो रहा है वो हमारी फ्यूचर जनरेशन को, दैट इज सस्टेनेबल. ओके, नेक्स्ट इज टॉलरेंस. टॉलरेंस मतलब कोई आप पे अत्याचार कर रहा है और आप सहन कर रहे हो, दैट इज टॉलरेंस, मतलब सहनशीलता. सो बेसिकली दैट इज नोन एज टॉलरेंस, उसको टॉलरेंस बोलते हैं. और रेजिस्टेंस की कोई पैथोजन, अब देखो कोई पैथोजन आया, वो आपकी बॉडी में एंटर किया, आपको उससे प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आप जी रहे हो, आप तुरंत उससे खत्म नहीं हुए हो. कोई भी पर्टिकुलर प्लांट के अंदर कोई पैथोजन गया, ठीक है, अब वो पैथोजन उसकी बॉडी के अंदर ग्रोथ कर रहा है, उससे क्या हो रहा है, जैसे हमें कोल्ड होता है, तो कोल्ड से क्या हम मरते हैं? नहीं मरते ना, हम टॉलरेट, एक टाइम तक हम उसे टॉलरेट कर लेते हैं कि यार अभी दवाई नहीं, 2-3 दिन बाद दवाई ले आएंगे, कोई बात नहीं, 2-3 दिन तक हम उसको टॉलरेट कर लेते हैं, तो मतलब हमने उसे सहन कर लिया. बट कुछ डिजीज ऐसी होती है जिसका पैथोजन आया और तुरंत पर्टिकुलर पर्सन जो है वो मर गया, मतलब उसकी बॉडी की रेजिस्टेंस जो थी वो इतनी ज्यादा एक्टिव, मतलब कोई पैथोजन आया और वो तुरंत उसने क्या किया, फीवर कर दिया आपको, फीवर कर दिया मतलब आप तुरंत उससे बीमार हो गए. ये भी तो हो सकता था कि वो पैथोजन बॉडी में आया, उसके बाद आपकी बॉडी के बॉडीज ने उससे फाइट किया और आप उसके बाद भी क्या है, हेल्दी हो, बिल्कुल सही हो. तो टॉलरेंस में आप बीमार होते हो, आप झेलते हो उस चीज को. रेजिस्टेंस में कंप्लीटली उसको, आपकी बॉडी की जो एंटीबॉडीज है वो उस पर्टिकुलर पैथोजन को तुरंत खत्म कर देती है, आप उससे बीमार होते ही नहीं हो, आप उससे लड़, आपकी बॉडी की इम्यूनिटी उससे लड़ती है. तो वो, और आई थिंक आप शायद ससेप्टेबल पूछना चाह रहे हो, जहां तक मुझे लग रहा है. सस्टेनेबल, सस्टेनेबल तो कुछ नहीं है बेटा, ये तो अलग वर्ड होता है, जो कि मैंने आपको बताया कि जो हमारी जनरेशन और फ्यूचर जनरेशन के लिए अवेलेबल हो जाए. ससेप्टेबल का मतलब होता है होस्ट शुड बी ससेप्टेबल, मीन्स उसकी इम्यूनिटी जो है वो कम होनी चाहिए, ठीक है. अगर होस्ट की इम्यूनिटी कम हुई तभी डिजीज होगी, अगर इम्यूनिटी अच्छी हुई तो डिजीज नहीं होगी ना बेटा. टॉलरेंस पावर, जब आप किसी चीज को झेलते हो लॉन्ग टाइम, ठीक है, जब आप उस चीज से सफर कर रहे हो, तो आपको से प्रॉब्लम हो रही है लेकिन आप सफर कर रहे हो, ठीक है, आप सफर कर रहे हो. और रेजिस्टेंस, जैसे ही कोई पैथोजन आया आपकी बॉडी ने तुरंत उसके, आपकी बॉडी के एंटीबॉडीज ने तुरंत उसको ढेर कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है. मीजोबायोटिक का एग्जाम्पल एक्सेप्ट और क्या होगा, मैं समझी नहीं शैली आप क्या पूछना चाह रहे हो. आप मीजोबायोटिक के एग्जाम्पल पूछना चाह रहे हो बेटा, अभी तो मैंने बताया था कि वायरसेस उसके एग्जाम्पल है, ठीक है. वायरसेस मीजोबायोटिक के एग्जाम्पल्स होते हैं कि वो लिविंग भी होते हैं और नॉन लिविंग भी होते हैं, ठीक है. अच्छा, आपको नहीं मिला, ओके बेटा, टुडे आई विल टेल टू संदीप सर, ठीक है, वो आपको भेज देंगे, ठीक है, या फिर जो टेलीग्राम वाले हैं वो आपको सेंड कर देंगे, ओके. चलो अब आगे चलते हैं बेटा. सो बेसिकली डिजीज ट्रायंगल हमें समझ में आ गया, अब बेटा हमें प्लांट पैथोजन भी समझ में आ गया. अब सबसे पहले हम लोग डिजीज पढ़ेंगे, व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज डिसऑर्डर, ठीक है, एक मिनट. व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज डिसऑर्डर, इसके नोट्स में आपको अलग से प्रोवाइड करूंगी बेटा अच्छे से, ठीक है. व्हाट इज डिजीज एंड व्हाट इज डिसऑर्डर. अब देखो बेटा, डिजीज और डिसऑर्डर में क्या डिफरेंस होता है. सो बेसिकली डिजीज इज कॉज्ड बाय द पैथोजन. डिजीज क्या है, कोई बायोटिक पैथोजन इसको कॉज करेगा, मींस इट विल बी कॉज्ड बाय द बैक्टीरिया, इट विल बी कॉज्ड बाय द वायरस, इट विल बी कॉज्ड बाय द फंगस. तो इसको कोई बैक्टीरिया या फिर इसको कोई वायरस या फिर इसको कोई फंगस जनरली कॉज करता है बेटा, तो इसको बोला जाता है डिजीज. क्या बोला जाता है बेटा, डिजीज बोला जाता है, ठीक है, जब कोई भी बायोटिक फैक्टर किसी को कोई भी इंफेक्शन कॉज करता है. तो ये बेटा, ये इंफेक्शियस डिजीज होती है, इन्फेक्शियस होती है. इन्फेक्शियस मतलब, अब देखो, जो लिविंग है वो अपना रिप्रोडक्शन करेगा, वो दूसरे की बॉडी में जाएगा तो वहां भी अपने नंबर्स को बढ़ाएगा. तो बेसिकली जैसे कोल्ड है, तो कोल्ड का जो बेसिकली पैथोजन होता है, अगर हमने छींक दिया कहीं पर, ठीक है, हमने छींक दिया कहीं पर और हमारी छींक के जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी और की बॉडी में चले गए, तो वहां उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा, उसको भी इन्फेक्शन हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इसका जो पैथोजन है वो स्प्रेड कर गया, वो फैल गया. अब वो एक पैथोजन गया तो, लेकिन उसने क्या किया, अपने नंबर्स को बढ़ाया और उसकी बॉडी में भी इन्फेक्शन कर दिया. तो दिस इज इसलिए हम इसको बोलते हैं कि ये इन्फेक्शियस है, मतलब इन्फेक्शन को स्प्रेड भी कर रहा है. सिर्फ उसकी बॉडी में उसने इन्फेक्शन नहीं किया, दूसरे की बॉडी में भी इन्फेक्शन करेगा. तो दिस इज डिजीज. इसको क्या बोलते हैं बेटा, डिस इजी, विच इज नॉट ईजी, दैट इज जिसमें हमें अनकंफर्टेबल हो जाए जिस सिचुएशन में, दैट इज नोन एज डिजीज. तो डिजीज कोई पैथोजन कॉज करता है बेटा, इवन दो वो आपका बेसिकली बैक्टीरिया हो सकता है, फंगस होता है, वायरस हो सकता है, उसको हम बोलते हैं डिजीज. और जो इन्फेक्शियस होता है बेसिकली अपने इन्फेक्शन को स्प्रेड करने की एबिलिटी रखता है. व्हाट इज डिसऑर्डर, डिसऑर्डर क्या होता है बेटा, डिसऑर्डर इज बेसिकली कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स, डिफिशियंसी ऑफ विटामिंस. जैसे हमारी बॉडी में क्या होता है, किसी भी विटामिन की डिफिशियंसी हो गई तो हम बीमार हो जाते हैं. आप लोगों ने देखा होगा विटामिन ए की डिफिशियंसी से आईसाइड वीक हो जाती है, विटामिन बी की डिफिशियंसी से बहुत सारी चीज बेरी बेरी हो जाता है, विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी हो जाता है, और विटामिन डी की डिफिशियंसी से क्या होता है बेटा, उसकी डिफिशियंसी से रिकेट्स हो जाता है. ये सभी ने सुना है ना. तो दीज आर टाइप ऑफ डिसऑर्डर. ये कोई
कोई डिजीज नहीं है, ये डिसऑर्डर है। तो ऐसे ही प्लांट्स में भी किसी न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी अगर हो जाती है बेटा, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिसऑर्डर हो जाते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि खैरा, तो खैरा क्यों होता है बेटा, तो खैरा होता है जिंक की डेफिशिएंसी से। जब जिंक की डेफिशिएंसी होती है तो होता है खैरा प्लांट में, ठीक है। और ऐसे ही विपटेल हो जाता है, एक विपटेल हो जाती है, ठीक है। विपटेल क्या होती है बेटा, विपटेल ये क्योलीफ्लावर में देखने को मिलती है, और ये होती है बेटा मॉलिब्डेनम की डेफिशिएंसी से। अब मॉलिब्डेनम इज अ न्यूट्रिएंट, मॉलिब्डेनम क्या है, इज अ न्यूट्रिएंट, ये एक टाइप का क्या है, न्यूट्रिएंट है। और इस न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी से क्या होता है बेटा, विपटेल हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर मेरी बात समझना, दीज आर नॉन स्प्रेडेबल, ये नॉन स्प्रेडेबल है मतलब ये स्प्रेड नहीं होते हैं। तो अब यहाँ पर ये किसी एबायोटिक फैक्टर की वजह से हो रहे हैं, मीन्स दीज आर ड्यू टू द नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बेटा मुझे एक बात बताओ, क्या वाइटामिन लिविंग होते हैं, नहीं होते, लेकिन एसेंशियल होते हैं ना बॉडी के लिए। लिखा आपके जो डिफरेंट टाइप के बोरोन है, जिंक है, नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ठीक है, पोटेशियम है, इसके अलावा आयरन है, कोबाल्ट है, क्या ये लिविंग होते हैं, बिल्कुल भी नहीं, ये तो नॉन लिविंग होते हैं। लेकिन उसके बाद भी, नॉन लिविंग होने के बाद भी ये इस टाइप के डिसऑर्डर्स को कॉज कर सकते हैं, तो दीज आर ड्यू टू एबायोटिक फैक्टर। लेकिन क्या ये स्प्रेडेबल होते हैं, क्या जिंक की डेफिशिएंसी स्प्रेड करती है, नहीं। अब मेरी बात समझना, ये एक फील्ड है, इस फील्ड में इतने पार्ट में जिंक की डेफिशिएंसी है, इतने पार्ट में नहीं है। तो यहाँ पर आपने जो भी क्रॉप लगाई, ठीक है, उसमें जिंक की डेफिशिएंसी दिखेगी या फिर यहाँ पर भी दिखेगी, मुझे बताओ, सिर्फ इस क्रॉप में जिंक की डेफिशिएंसी शो करेगी ए पार्ट में या फिर बी पार्ट में भी शो करेगी, मुझे जल्दी से ये बात बताओ बेटा, कौन कौन से पार्ट में यहाँ पर डेफिशिएंसी शो करेगी, ए पार्ट में या बी पार्ट में, फटाफट से बता दो बेटा, जल्दी बताओ, ए पार्ट में शो करेगी। क्यों शो करेगी ए पार्ट में, ये बताओ, ए पार्ट में क्यों शो करेगी, ये बताओ जल्दी से, बोलिए, क्योंकि दिस इज नॉन स्प्रेडेबल भाई, ये न्यूट्रिएंट है, ये फैलेगा थोड़ा ना, अपनी डेफिशिएंसी को फैलाएगा थोड़ा ना, जहां पर है वहां पर है। और यहां पर अगर आप जिंक अप्लाई कर दोगे तो फिर वहां पर भी वो पोर्शन भी क्या हो जाएगा, वो पोर्शन भी अच्छा हो जाएगा, उस पोर्शन में भी जिंक की अवेलेबिलिटी हो जाएगी, उसके बाद आप जो प्लांट लगाओगे उन प्लांट्स में जिंक की डेफिशिएंसी देखने को नहीं मिलेगी। तो दिस इज नॉन स्प्रेडेबल, ये स्प्रेड नहीं होता है बेटा। लेकिन वहीं पर अगर मैं बोलूं कि यहां पर कोई पैथोजन था, यहां पर कोई फंगस था, ठीक है, इस फंगस ने यहां पर ग्रो किया, तो क्या वो फंगस पूरे फील्ड पे अटैक करेगा, मुझे ये बताओ बेटा, क्या वो फंगल इन्फेक्शन बाकी पूरे फील्ड में भी होगा या नहीं होगा, ये बताओ जल्दी से, क्या अगर यहाँ पर कोई फंगल इन्फेक्शन है तो क्या वो पूरे फील्ड में स्प्रेड होगा, जल्दी बता दो बेटा, यस। व्हाई, क्यों होगा, ऐसा क्यों बोला आपने कि फंगस स्प्रेड होगा, ऐसा क्यों होगा, जल्दी बताओ क्यों होगा ऐसा, क्योंकि फंगस कैन रिप्रोड्यूस, फंगस क्या करेगा बेटा, रिप्रोड्यूस करेगा, रिप्रोड्यूस करके अपने नंबर्स को बढ़ाएगा, और जैसे जैसे ज्यादा ज्यादा फंगस बढ़ते जाएंगे वो इन्फेक्शन वो बाकी प्लांट्स को भी इन्फेक्ट करेंगे, और फिर वो यहाँ वहां से यहाँ भी आएगा, यहाँ से यहाँ भी जाएगा, सारी जगह इन्फेक्शन करेगा। सो इसलिए मैंने आपको बोला यस दे आर इन्फेक्शियस, बिल्कुल सही बोला बेटा। तो इसीलिए मैंने आपको ये चीज बताई थी कि यहाँ पर बेसिकली जो आपके फंगस होते हैं बेटा वो इन्फेक्शन, जो आपके बायोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं दोज आर इन्फेक्शियस, वो इन्फेक्शियस होते हैं, वो स्प्रेड करते हैं, वो हमारे स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं बेटा, क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग पैथोजेंस होते हैं, दे कैन रिप्रोड्यूस एंड दे कैन स्प्रेड द डिजीज, वो जनरली डिजीज को स्प्रेड करना जानते हैं बेटा, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपको बताया था कि डिजीज जो होती है बेटा वो स्प्रेड करती है, लेकिन डिसऑर्डर स्प्रेड नहीं होते हैं बेटा, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितनी चीजें बताई सारी सबको क्लियर है, समझ में आ गई सबको, पहले फटाफट से मुझे ये बताओ डिजीज क्या है, डिसऑर्डर क्या है, प्लांट पैथोलॉजी क्या है, प्लांट पैथोजेंस क्या है, क्या प्लांट पैथोलॉजी के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ये सारी चीजें सभी को क्लियर है, जिन बच्चों का प्लांट प्रोटेक्शन का बैकग्राउंड नहीं है उनको भी क्लियर है, ओके, ठीक है, क्लियर, चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है। तो बेटा यहाँ पर बेसिकली हम बहुत सारे डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ते हैं। देख बेटा दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर हमारा कि इंडिया में बहुत सारे प्लांट पैथोलॉजिस्ट हुए हैं जिनमें फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है बेटा आपके ईजे बटलर को, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी,
ठीक है, फादर ऑफ इंडियन प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि बेटा इन्होंने बहुत सारी रिसर्चेस करी है। देखो इसको नोट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसके नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, ठीक है, इसके नोट्स आई विल प्रोवाइड यू, अब नोट्स नोट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बस सुनो। तो बेटा जो ईजे बटलर है, ठीक है, ईजे बटलर है, ही इज द फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी, उनको क्या बोला जाता है बेटा, प्लांट पैथोलॉजी का फादर उनको बोला जाता है इंडिया में। लेकिन वर्ल्ड में कौन है बेटा, तो वर्ल्ड में है आपके एंटोन डिबेरी, कौन है बेटा, एंटोन डिबेरी, तो एंटोन डिबेरी इज द फादर ऑफ मॉडर्न प्लांट पैथोलॉजी। तो बेटा ये आपके पूरे वर्ल्ड में प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं, जबकि ईजे बटलर इंडिया में प्लांट पैथोलॉजी के फादर हैं। इन्होंने इंडिया में बहुत सारी रिसर्चेस करी हैं प्लांट पैथोलॉजी के ऊपर, और एंटोन डिबेरी ने बेटा इन्होंने एक्चुअली एक फंगस पे रिसर्च करी थी, जिस फंगस का नाम क्या था बेटा, जिस फंगस का नाम था फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस, क्या नाम था बेटा, फाइटोफथोरा इन्फेस्टांस। और ये जो फंगस था बेटा, इस फंगस के बारे में बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसके बारे में आपको डिटेल में भी बताऊंगी जब मैं डिजीज पढ़ाऊंगी आपको। तो बेटा ये जो पर्टिकुलर पैथोजन है, ये एक फंगस है, और ये फंगस बेटा इसने लेट ब्लाइट डिजीज कॉज करी थी पोटैटो में, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो के नाम से भी हम इसको जानते हैं बेटा। ये डिजीज हुई थी आयरलैंड में, कहाँ पर हुई थी बेटा, आयरलैंड में ये डिजीज हुई थी बेटा, इसकी वजह से आयरलैंड में फेमाइन आया था, जिसको हम आयरिस फेमाइन के नाम से जानते हैं। यस बिल्कुल, तो लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो नाम का जो डिजीज है बेटा, वो आयरलैंड में इसने पूरे आयरलैंड में आयरिस फेमाइन कॉज किया था, और ये बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन था बेटा, बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन था। आलू, देखो आलू जनरली रिच पीपल भी यूज करते हैं, पुअर पीपल भी यूज करते हैं, आलू सभी का फ्रूट होता है, लेकिन पूरा का पूरा आलू इसने खराब कर दिया था, इसने पूरा आलू बर्बाद कर दिया था, ठीक है बेटा। तो ये बेसिकली एक बहुत सीवियर इन्फेक्शन था जो आयरलैंड में हुआ था, और जिसकी वजह से आयरिस फेमाइन आया था। तो प्लांट पैथोलॉजी में हम दो तीन इन्फेक्शन के बारे में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं, एक है बेटा कॉफी रस्ट, एक आता है आपका आयरिस फेमाइन, और एक आता है आपका बंगाल फेमाइन। तो बंगाल फेमाइन एंड आयरिस फेमाइन, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आयरिस फेमाइन आया था पोटैटो यानी कि आलू की वजह से, आलू जो इंपॉर्टेंट क्रॉप है, और बंगाल फेमाइन बेटा प्री इंडिपेंडेंस एरा में आया था, जब बंगाल हमारा पार्ट हुआ करता था, तो उस टाइम पे आया था ब्राउन लीफ स्पॉट डिजीज की वजह से, जिसको हेलमिंथोस्पोरियम ओराइजी कॉज करता है। तो वो मैं आपको विद द टाइम बताती जाऊंगी, जब मैं आपको वीट के इन्फेक्शन भी बताऊंगी, सीरियल्स के, जब मैं आपको पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सबके डिजीज करवाऊंगी, तो उसमें मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। यस, कॉफी रस्ट श्रीलंका, ठीक है, उसके बाद से श्रीलंका में से यहाँ कॉफी, इंडिया में कॉफी नहीं आती है, ठीक है। तो चलिए बच्चा, आई होप कि आपको सभी को आज का लेक्चर अच्छा लगा होगा और आज का लेक्चर समझ में आया होगा। तो सबसे पहले फटाफट से मुझे ये बता दो कि प्लांट पैथोलॉजी का फर्स्ट लेक्चर किस किस को अच्छा लगा, जल्दी से बता दो एक बार। सॉरी, हाँ रस्ट साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है, हाँ रस्ट साइकिल भी इम्पॉर्टेंट है रस्ट, लेकिन आपको साइकिल नहीं पढ़ना है डिटेल में, ठीक है, आपको रस्ट डिजीज के बारे में पढ़ना है। चलो अब मुझे फटाफट से ये बता दो कि आज का लेक्चर सबको किसको अच्छा लगा, लक्ष्मी को अच्छा लगा, चलो वेरी नाइस, बाकी को भी अच्छा लगा, अच्छा। अशोक FLCU 90, आपने अपना नाम क्यों नहीं रखा है, आप अपना नाम लिख दो, है ना, ओके ओके ओके, चलो। मिस्टर देखा को भी अच्छा लगा, शिवानी को भी अच्छा लगा, चलो। दीपिका, रूबी, सबको अच्छा लगा, चलो वेरी नाइस, बहुत अच्छी बात है ना। रंजीत को भी अच्छा लगा, चलो बहुत अच्छी बात है। आई विल ट्राई कि आपको सारे लेक्चर्स प्लांट पैथोलॉजी के ऐसे बहुत अच्छे लगे। ओके, अल्पेश और कतिका को भी अच्छा लगा, चलो वेरी नाइस। तो गाइज अभी आपके प्लांट पैथोलॉजी के जितने भी लेक्चर, प्लांट प्रोटेक्शन के जितने भी लेक्चर्स हैं, सारे लेक्चर्स आप लोग ध्यान से अटेंड करिएगा, ठीक है। और डू वन थिंग गाइज, इसमें रिवाइज डेली करिएगा, क्योंकि जब तक आप रिवाइज नहीं करते हो तो आपको चीजें क्लियर नहीं होती हैं, ठीक है। मैम कैन यू एडमी, हाँ डेफिनेटली शिवानी, एक्चुअली संदीप सर विल एड यू, तो मैं आपको एक दो दिन में बता दूंगी उस ग्रुप का लिंक, या तो गाइज आप लोग कुछ कोई भेज दो कि ये टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, या तो मैं केमिस्ट्री की क्लास में बता दूंगी, इसके बाद 1 बजे केमिस्ट्री की क्लास है ना, तो वहां पर मैं आपको बता दूंगी कि कैसे आपको ज्वाइन करना है, ओके। चलो तो चलिए गाइस, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ एक चीज और, नेक्स्ट क्लास आप लोगों के स्टडी प्लान में होगी, एक मिनट में बता देती हूँ। तो गाइस जो स्टूडेंट मेरा डेमो लेक्चर देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो आप लोगों के लिए बेटा, अगर आप लोगों ने सेंट्रल वेयर हाउसिंग का फॉर्म फिल किया है, तो बेटा डू वन थिंग, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा है तो यू कैन इनरोल इन दिस बैच, आप इस बैच में इनरोल कर सकते हो बेटा। और इस बैच में इनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, आपको जाना है जस्ट गो ऑन द गूगल, आपको गूगल पर जाना है बेटा। गूगल पर जाने के बाद आप अड्डा 24/7 टाइप करोगे,
तो अड्डा 24/7 आपने टाइप कर लिया, जैसे आप इसको टाइप करोगे आफ्टर दैट यू विल गेट अड्डा 24/7 इंडियाज लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, ये आपको यहाँ पर मिलेगा। इस पर आप क्लिक करोगे, जैसे ही आपने क्लिक किया ये विंडो आपके पास ओपन हो जाएगा। तो विंडो के ओपन होने के बाद आपको ऑल कोर्सेज पर जाना है, एग्रीकल्चर नीचे से चूज कर लोगे, एग्रीकल्चर आपने चूज कर लिया। आफ्टर दैट यू विल गो टू सेंट्रल वेयर हाउस हाउसिंग कॉरपोरेशन, आपको इस बैच पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही आपने क्लिक किया ये बैच आपके पास ओपन हो गया। इस बैच पर आप क्लिक करोगे तो विद टेसीज ई बुक्स आपको कंप्लीट डाटा यहाँ पर प्रोवाइड करा जाएगा। जैसे अभी मैंने लेक्चर पढ़ाया स्टूडेंट को, तो इसके बाद थोड़ी देर में मैं ये लेक्चर अपलोड कर दूंगी, तो स्टूडेंट्स को ये लेक्चर मिल जाएगा, तो वो आराम से उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको प्रिंटेबल फॉर्म में डाउनलोड करके वो प्रिंट भी करवा सकते हैं। उसके साथ साथ आपको इसमें टेस्ट सीरीज और ई बुक्स भी अवेलेबल होगा, ठीक है। तो इसमें आपकी जो क्लासेस होंगी 200 आवर्स की होंगी। अच्छा, इसमें अगर आपको बाकी और कुछ चीजें देखनी है, लाइक आपको इसमें स्टडी प्लान देखना है, तो यहाँ पर चेक द स्टडी प्लान में आपको जाना है। तो 9 बजे इसमें मेरा क्लास है, जो ये दूसरा वाला बैच है जिसमें अभी प्लांट प्रोटेक्शन स्टार्ट हुआ है, और इसके अलावा इसमें 12 बजे प्रतिभा मैम का क्लास होगा एंटोमोलॉजी का, ठीक है। तो बाकी जो संदीप सर के आकाश सर के लेक्चर है वो भी विद द टाइम स्टार्ट हो जाएंगे, बट आज जो स्टार्टिंग हो रही है वो मेरे और प्रतिभा मैम के लेक्चर की है, ठीक है। तो बच्चों आप यहाँ से इस बैच को एनरोल इस बैच में रोल कर सकते हो। डेमो क्लास आप लोगों के सामने लगा ही है, तो आप डेमो क्लास देख सकते हो। बाय नाउ पे आपको जाना है, Y447 कूपन कोड आपको अप्लाई करना है। जैसे ही आप अप्लाई करोगे 2989 में आपको ये बैच अवेलेबल हो जाएगा, सो दैट मैक्सिमम डिस्काउंट के साथ आप इस बैच में एनरोल कर पाओगे, ओके। और बाकी गाइस जो पेड बैचेस में है आप लोगों के लिए मैं थोड़ी देर में इस पीडीएफ को अपलोड कर दूंगी, आपको मिल जाएगा बेटा, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। और नेक्स्ट क्लास आपका 12 बजे है, जैसे कि मैंने आपको बताया प्रतिभा मैम का, ओके। तो बाय गाइस, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।